अच्छा जब तक आप मेरी ये वीडियो देखेंगे हम गुजरांवाला घूम के आ चुके होंगे। तो यार मैं उस दिन ऐसे ही बैठा हुआ और मैंने सोचा यार क्यों ना आपको गुजरांवाला की सैर करवा दी जाए। तो मैंने दोस्तों को कॉल की कि यार गुजरांवाला का सीन है, तो उन्होंने कहा यार सीन ही ऐसा है क्योंकि लाइफ में करने को तो कुछ है नहीं, तो इसलिए वक्त पे काम कर लेते हैं। तो हमने सोचा था हम ट्रेन पे जाएंगे और 7 बजे सुबह 7 बजे की ट्रेन थी और डिसाइड हुआ कि हम 6 बजे सब रेडी होके निकल जाएंगे। तो आगे के सीन आपके सामने। अच्छा ये टाइम हो रहा है 6:15 और हमें 6:45 पे स्टेशन पहुंचना था, लेट हो गया। तो मेरी कल ऐसा हुआ कि हमें जहाज़ की स्पीड का रिक्शा ड्राइवर मिला और उसने हमें तकरीबन 15 में स्टेशन पहुँचा दिया। अच्छा यार ट्रेन आ गई है और हम भी प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए हैं। 6:30 तक हम स्टेशन आ गए थे, उसके बाद हमने टिकटें ली हैं। टिकटें लेने के बाद अब प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। ट्रेन का पहले इंतज़ार करना था लेकिन ट्रेन हमारे से भी पहले की आई है। ये फिजान भाई हैं, फिजान भाई को टास्क मिला था कि इन्होंने ना नंबर लगवाना था, तो ये टिकटों का नंबर लगवाए हैं। और ये बाकी दोस्तों के साथ भी आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। अंश, ये अंश है और ये है हमारे दोस्त सिजावल और ये है हमारे दोस्त हुसैन। तो यार गुजरांवाला पहुंचने के बाद सीन्स कुछ इस तरह के थे। ओ प्यार ता हुंदा जिंदगी दा सरमाया। अस्सलाम वालेकुम। ए तो सीन करता और वहाँ सिजावल ने जो किया वो आप सिजावल से ही सुन ले। ओ यार अंदर थोड़ा सामान लिया था तो वो अंदर ही भूल आए यार, वो बहुत बड़ी गलती हो गई है। जमाल भाई बोलते यार तेनू जी लोरो तुर से क्या चीज का ध्यान दूर रहना है, फिर की कीता है पहलवानों के शहर गुजरांवाला आ गए हैं। अब सबसे पहला काम है हमारा नाश्ता करना और नाश्ते की हमें ट्रेन में एक बंदे ने बता दिया था कि आप सुलेमान स्वीट्स जाना। अब सुलेमान स्वीट्स में हम नाश्ता करेंगे। सुलेमान स्वीट्स यहाँ की सबसे मशहूर बेकरी है, तो अब हम वहाँ से हलवा पूरी का नाश्ता करेंगे। अच्छा यार हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, सलमान स्वीट्स आ गए हैं और मतलब कुछ बताना चाह रहे हैं सलमान स्वीट्स के बारे में। ये यार मेरे दादा वो आते होते थे छोटे होते बात लंबी हो गई है सलमान स्वीट्स। थोड़ा सा स्मार्ट सा नाश्ता इधर होगा और उसके बाद हम जाएंगे अंदरून। अंदरून जाके हमारा लाहौरी नाश्ता होगा, आपको इनके नाश्ते की दीदार करवाते हैं। बहुत मज़े का नाश्ता था, पूरी तो माशाल्लाह मतलब कि काफ़ी मतलब क्रिस्पी थी और इतनी हैवी नहीं थी। एक बंदा 3 दिन पूरियाँ खा सकता है, लाहौर में हम एक पूरी नहीं खा सकते थे। और साथ में सबसे इनकी जो अच्छी चीज़ थी ना वो था इनका खोए का पूरा। जी जी आज ये क्या सीन है यार? अभी हम जमाल पे बैठे हैं जी न्यू कोयटा दरबारी होटल में चाय पीने के लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सीन है वो भी मुझे नहीं पता, जो बगैर नेक्स्ट सीन हो होगी इंशाल्लाह आपको जरूर बताएंगे। अब हम जा रहे हैं अंदरून गुजरांवाला, वहाँ पर जाके सीन्स होंगे। अंदरून गुजरांवाला में हमें बताया कि सबसे पहले आपने जाना सियालकोटी गेट, तो सियालकोटी गेट हम पहुँचेंगे सबसे पहले। अच्छा यार सियालकोटी दरवाजे जा रहे हैं और अंकल मिल गए हमें, रस्ते पे लेके जा रहे हैं। अच्छा यार हम आ गए हैं यहाँ पर सियालकोटी दरवाज़ा जिसका नाम था बंदरथ रोड। तो इसका सियालकोटी दरवाज़ा सुना है कि इसलिए नाम पड़ गया कि सामने से सियालकोट की सड़क जाती है, तो ये सियालकोटी दरवाज़ा। Ooh, ooh, ooh,
के भी ना जैसे हमारा अंदरून लाहौर है ना उसके भी मुख्तलिफ गेट्स हैं और इसी तरह इसका भी ये गेट है, इसका नाम है लाहौरी गेट। सुबह को आँख खुलते याद तेरा ना, ये कैसा माजरा है जाना, अदाएं तेरी वो जो दिल को छू गई थी कभी ना। अच्छा यार ड्रोन घूम के हम इधर आ गए हैं घंटाघर। घंटाघर में हमारा प्लान है कि हम नाश्ता करेंगे और इसी दौरान ना मुझे इसने बताया कि यहाँ पर बाबा गुरु नानक का गुरुद्वारा है, तो अगर हम अंदर जाने देंगे तो गुरुद्वारे की आपको फुटेज भी मिल जाएगी। मेन चीज़ ये है कि हम नाश्ता करेंगे, तो नाश्ते में मिलते हैं। सुबह को आँख खुलते याद तेरा ना, ये कैसा माजरा है जाना। अच्छा यार गुरु नानक पूरा घंटाघर बाजार में गली नंबर 2 के साथ तीसरी दुकान है अमृतसरी हरीसे की, तो यहाँ से हम हरीसा खाएंगे। ये बिल्कुल मुन्ना जी नान प्लांट के बिल्कुल सामने है, तो ये भैया आज हमें हरीसा खिलाएंगे यहाँ। अच्छा यार हरीसा खाने के बाद ना डिमांड थी इसकी ये चाटी की लस्सी, यादगार चाटी की लस्सी। तो यादगार चाटी की लस्सी इसका ना कुछ यूनिक सा कलर है, पिंक कलर की है। टिपिकल लस्सी सफ़ेद कलर की होती है, लेकिन इन्होंने बताया कि ये दूध को काट के और हल्की सी मतलब चूल्हे की आंच पे रख देते हैं और ये पकता रहता है, तो फिर ये जाके बनती है। और ये मियाँ भी काम है यहाँ पे। हमने अब पूरा ये अंदरून घूमे हैं, दो दरवाजे नज़र आए हैं हमें, एक था सियालकोटी दरवाज़ा और दूसरा लाहौरी गेट। तो अब हम जाएंगे शेराले बाग। अच्छा यार हम शेराले बाग आ गए हैं। शेरावाले बाग यहाँ पर गुजरांवाला में ही है और यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा यार 8:30 के गुजरांवाला आगे बैठे हुए हैं और नाश्ता चाय वगैरह पीने के बाद एक्सप्लोर कर रहे थे चीज़ें और हम आए अंदरून गुजरांवाला। अंदरून गुजरांवाला आके हमने मोस्टली आधा गुजरांवाला तो अंदरून का घूम लिया। तो हमारा अभी का जो प्रोग्राम था वो ये था कि हम शेरांवाले बाग आए थे। शेरांवाले बाग में दो चीज़ें मशहूर थी, एक था मकबड़ा, वो मान सिंह के किसी बेटे का मकबड़ा था, इसके अलावा इधर भी कोई नहीं जानता, वो बस मकबड़ा मकबड़ा बोल रहे हैं। दूसरा ये था कि रणजीत सिंह की हवेली, जो कि इंपॉर्टेंट थी हमारे सिनेरियो में, क्योंकि काफ़ी लोगों से सुना है कि रणजीत सिंह की हवेली, रणजीत सिंह की हवेली। तो यहाँ आके हमें पता लगा कि रणजीत सिंह की हवेली अब सील हो गई है, जो कि एक स्कूल में कन्वर्ट हो गई है। गर्ल्स स्कूल था, अगर बॉय स्कूल होता तो परमिशन लेके हम जा सकते थे। बाकी का सीन ये है कि थोड़ा सा यहाँ स्टे करेंगे, आराम करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें जो सी हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। पहलवानों के शहर आए और पहलवान ना देखें तो ये हमारा ट्रिप अधूरा रह जाएगा। तो ये सामने अखाड़ा है, अभी अखाड़ा उन्होंने खोलना स्टार्ट नहीं किया, इसको अखाड़े को कहते हैं खोलना, खोलना इन लोगों ने अभी स्टार्ट नहीं किया। तो लेकिन इंडोर इनकी कुश्ती हो रही है तो हम इंडोर चल जाएंगे क्योंकि जोहर की अज़ान होगी। अच्छा यार जैसे कि आपको फुटेज दिखाई थी इस जवल में ही, तो अंदर ना सीन ये था कि रोशनी कम थी, लाइट की वजह से ना इतनी क्लियरिटी नज़र नहीं आई। और बाकी सियावल भाई आपको बताते हैं कि कुश्ती के बारे में कि क्या सीन था देसी सियावल भाई। असल में अपना ज़्यादातर इंडोर जो कुछ रेसलिंग है इसको ज़्यादा फ्रोक दिया जा रहा है, क्योंकि वैसे भी सर्दियों का मौसम है जिसकी वजह से ना उसको ज़्यादा फ्रोक दिया जा रहा है। खारे गर्मियों में होता है कि बंदे मिट्टी भी थोड़ी ठंडी हो खोल लेते हैं, वैसे तो अंदर दिया जा रहा है। और इनका बताना था कि जो इनाम बट रेसलर है वो भी कह रहे थे कि इसी कार्य का शिकित है। अच्छा यार
आधा घंटा हो गया है हम बाजार में चली जा रहे हैं। अब आगे हमें मिला है शबाज़ टिक्का से उसने कहा है कि गुजरांवाला की सौगात है चिड़े खाए बगैर नहीं जाना। और हुसैन भाई ने केले चिड़े खाने हैं। हुसैन भाई का पूरा प्रोग्राम है कि वो चिड़े खाएंगे और कोई भी नहीं खाएगा। मैं और हम सुबह से चल थक गए हैं और ये आ गया हमारा शबाज़ टिक्का। अच्छा यार हुसैन वगैरह ना ये खा के आए हैं बटेरा, हमने नहीं खाया मैंने और सजावल ने, तो इनसे रिव्यू तो लें जरा किस तरह के था। बहुत मजेदार था, आपने पता क्यों मिस कर दिया। मियां मियां काम था बड़ा। अच्छा यार पूरा दिन हमने गुजरांवाला में स्पेंड कर लिया है, अब हिम्मत नहीं है और घूमने की, बिल्कुल थक गए हैं, खाना खा के पेट बिल्कुल फुल है, अब सिर्फ बर्फी लेके घर चले। यार हम ना 80 बर्फी वालों के पास आए हैं और इन्होंने अभी बर्फी चेक कराई है, पूरा मियां काम है। और हमने सोचा है यार, हमारे बड़े भाई ने बताया था कि यार 80 बर्फी रात में लाजमी खानी है, और अब हमने सोचा है कि अपने घर वालों के लिए भी 80 बर्फी ले जाते हैं। सीन ये है कि यार गुजरांवाला दोबारा हमारा चक्कर लगता है, कब लगता है वो नहीं पता, लेकिन यहाँ की जो स्वाद है ना वो तो लेके जाए, तो बस 80 बर्फी ले। अच्छा यार हमारा ना ट्रिप ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया है, जो सारा कुछ सोचा था जिस तरह सोचा था उस तरह की है। कुछ जगह जो सी थी वो सील्ड थी, जाने नहीं दिया गया, और जो जगह पर हम जा सके वहाँ तो हम गए। अब सीन ये है कि वापसी का हमने सोचा था कि डेवो पे जाएंगे और शुक्र है डेवो मिल गई, अगर हम ट्रेन पे जाते हैं तो हमें 4 घंटे वेट करना पड़ता है, तो इसलिए हम डेवो पे कर जाएंगे। सुबह को आँखों खुलते याद तेरा।